हेलो गाइस, राधे राधे, मोस्ट वेलकम। तो आज मेरा जो वीडियो है एकदम मॉर्निंग से शुरू हो रहा है, मतलब एकदम क्या 7 या 6:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो पहले मैं अंदर चादर वादर वही झाड़ झूड़ के कल के जो कपड़े करे पड़े वो फोल्ड किए थे, तो बस मैं आ गई थी नहा के। और झाड़ू पोछा आजकल मैं नहीं करती, मेरी बेटी करती है, क्योंकि उसकी छुट्टियां चल रही हैं। तो वो एक पूरा दिन में बस दो ही काम करती है, एक झाड़ू लगाना एक पोछा लगाना, तो मेरी छुट्टी रहती है उस काम से। तो बस मैं नहा के आ गई थी और वो भी अपना काम कर रही थी, तो बस मैं पूजा कर रही थी। और पूजा करने के बाद मुझे सीधे नाश्ता बनाना है, क्योंकि नाश्ता मतलब 9 बज गए होंगे लगभग इस समय। तो मैं कुछ तैयारी करके गई, जैसे कि आलू बॉईल करके और आटा लगा के। तो ये प्याज, हरी मिर्च, हरी धनिया, अदरक सब कुछ मैं आलू में मिक्स कर दूंगी। और प्याज मैंने बारीक करके काट रखा था, तो उसके बाद थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया है, क्योंकि अजवाइन अच्छा रहता है पराठे वगैरह में डालो। तो बस नमक, धनिया और थोड़ी सी रेड चिल्ली, क्योंकि मैंने ग्रीन भी डाली है, तो ज़्यादा नहीं डालूंगी, बहुत थोड़ी सी डाली है। और थोड़ी सी हींग डाल दूंगी, हींग तो मतलब ज़्यादातर मैं हर चीज़ में यूज करती ही करती हूँ। बस तो फटाफट से मैं नाश्ता बना लूंगी। और ये था मतलब तवे पे रोस्ट करके सौंफ और जीरा मैंने बेलन से हल्का क्रश कर रखा था, तो वो भी ऐड कर दिया इसी में। तो बस इसको सब चीज़ को हाथ से अच्छे से मैश कर दूंगी। और पहले मैं बना दूंगी हस्बैंड का खा मतलब नाश्ता, वो पराठा वगैरह नहीं खाते, तो मैं रोटी सेक रही हूँ। और दूसरी तरफ लौकी की सब्जी बना रखी है सूखी बॉईल करके, तो पहले सबसे पहले मैं उनको ही दे देती हूँ। और बच्चे अभी नहाने गए हैं, फिर बच्चों का पराठा सेक दूंगी। तो पहले मैं बस उनकी रोटी सेक दी मैंने और उनको दे देती हूँ खाना। तो वो चाय वगैरह नहीं लेते, तो मैं उनको छाछ दे रही थी, मतलब वो मट्ठा जो पैकेट वाला रहता है वो, और लौकी की सब्जी रोटी। तो बस उनका नाश्ता यही है, और वो पराठा वगैरह नहीं खाते गर्मी में, तो बस मैं उनको दे देती हूँ। और उसके बाद बनाती हूँ पराठा बच्चों के लिए, क्योंकि जब से छुट्टी पड़ी है तो पराठा वगैरह बनता नहीं है ना, इसीलिए आज बच्चे बोल रहे थे कि आलू का पराठा बना दो। और लगभग 1 महीना हो गया मैं नहीं बनाई, तो इससे ना आलू को रखे आज काफ़ी देर हो गई, मैं रोटी वगैरह सब्जी वगैरह बनाने लगी, तो इसमें ना थोड़ा गीला गीला हो गया, तो थोड़ा सा पराठा मेरा आज फट रहा। लेकिन कोई नहीं, चलो कभी कभी हो जाता है। तो मैं बस पराठे बना लूँगी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी इसको रखे हुए, और गर्मी का मौसम है, तो मैंने प्याज ऐड कर रखी, उसी की वजह से हल्का गीला हो गया था। तो बस मैं पराठे सेकती जाऊंगी और बच्चे खाते जाएंगे। और उसके बाद दोनों बच्चे नहा के आ गए थे, मैं भी नहा के आ गई, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, मुझे ये 4-5 रोटी और पराठा बनाने में पूरा पसीने में भीग गई थी किचन में, और बहुत भयंकर गर्मी है। तो मैं जल्दी जल्दी बना के अब अंदर रूम में जाऊंगी, क्योंकि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा गर्मी की वजह से। और उसके बाद मैं बच्चों को तो दूंगी दही से पराठा, तो दही पराठा वो आराम से खा लेंगे। और नाश्ता करने के बाद मैं छत पे गई, लगभग 9:30 या 10 का ही टाइम होगा, तो देखो कितना तेज़ धूप है और एकदम लू चल रही है, गर्म गर्म हवा चल रही है। तो मैं फटाफट कपड़े डाल के एकदम भाग के नीचे आई, मेरी हालत ख़राब हो गई एकदम गर्मी से। और सुबह के कपड़े पड़े थे वो लेके आई और अभी के उठा के लाई, और आके बस कोई काम नहीं करा ना कोई वीडियो शूट करी। तो बस अब डायरेक्ट मैं आपसे इवनिंग में मिल रही हूँ, तो ये इवनिंग टाइम हो रहा है। तो मैंने जो कढ़ाई में बॉईल होने रखा है उसमें रखे हैं 2 प्याज बड़े बड़े, 2 टमाटर, 2-3 हरी मिर्च और 6-7 लहसुन की कलियाँ, और 6-7 करेले थे छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं थे, तो वो करेला बॉईल होने रख दिए हैं मैंने। और आज थोड़े डिफरेंट तरीके की करेले की सब्ज़ी ट्राई करूँगी। तो बस ये सब चीज़ें मैंने बॉईल होने रख दी हैं, और ये बन गई इवनिंग की चाय मेरी। तो मैं बस थोड़ी सी चाय पी लूँ, उसके बाद सब्जी बनाती हूँ। और आज मैंने लंच भी नहीं बनाया, तो इसीलिए कोई वीडियो शूट भी नहीं हुआ लंच का, क्योंकि सुबह हमने नाश्ता कर लिया था काफ़ी हैवी, तो उसके बाद हमें भूख नहीं लगी और मैं भी सो गई थी, बच्चे भी सो गए थे। तो बस मैं रूम में आ गई थी, तो बच्चों ने ये पानी वगैरह पीकर समय बोतलें वगैरह डाल रखी थी वो समेटूंगी। और जो दोनों बार के कपड़े आ गए थे छत से, एक तो मैं ही लाई थी सुबह, अभी शाम के मनी लाई थी उतार के, तो बस इनको फोल्ड करके और इनको अपनी जगह पर रख दूंगी और पानी भर के रख दूंगी फ्रिज में। बस यही काम रहता है इवनिंग में। तो बस समेटा समाटी करने के बाद और ये जो नहाने के मतलब कपड़े रख दूंगी बाथरूम में, क्योंकि अभी काम करने के बाद मैं भी नहाऊंगी और बच्चे भी नहाएंगे।
तो वो सब मैंने बाथरूम में रख दिया। तो जो मैंने तीनों चीज़ें बॉईल की थी, जैसे कि लहसुन प्याज और टमाटर, उसको मैं अच्छे सा एक पेस्ट बना लूँगी, हल्का सा पानी डाल के, और एकदम फाइन पेस्ट बना लूँगी। तो करेला अलग कर दिए थे और टमाटर प्याज अलग कर दिया था बॉईल होने के बाद, और अच्छे से बॉईल हो गए थे। और उसके बाद मैं ये करेला तेल में फ्राई कर लूँगी। और मैंने लिया है सरसों का तेल, तो काफ़ी हाई हीट पे है, मतलब फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गलाना तो है नहीं, ये तो पहले से ही बॉयल है, तो हल्के हल्के इनको गोल्डन करना है। तो गैस मैंने फुल कर रखी है और बस इनको हल्का हल्का मैं गोल्डन होने तक भून लूँगी, काफ़ी अच्छे से, मतलब कलर लाने तक। और इनके जो बीज थे वो मैंने निकाल दिए, कलर मतलब अलग कर दिए, बीज अच्छे नहीं लगते। तो बस मैंने इसमें जीरा डाला, और ये डाली है सौंफ, और ये डाली है मंगरेल, जो मतलब लिट्टी में डालते हैं ना मंगरेल, वही वाली। और ये मैंने एक प्याज कट कर रखा था, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो वो डाल दिया है। और दो तीन हरी मिर्च रखी हैं, ये भी कट करके इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। तो थोड़े डिफरेंट तरीके की इसलिए बना रही हूँ कि एक ही तरीके के रोज़ खा खा के ना करेला बोर हो गए हैं, और अक्सर रोज़ तीसरे चौथे दिन करेला आजकल बन जाते हैं, तो बच्चे भी खाना पसंद नहीं करते। तो मैंने सोचा थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ, देखती हूँ कैसे बनते हैं, लेकिन बहुत टेस्टी बने थे। क्योंकि वीडियो तो मैं बाद में डाल रही हूँ, करेले की सब्जी तो हम लोगों ने पहले ही खा ली, तो काफ़ी टेस्टी बने, और पराठे के साथ तो बहुत अच्छे लग रहे थे सुबह में। तो बस ये जो मैंने पेस्ट बना के रखा था, टमाटर प्याज बॉईल करी थी, उसको मैंने डाल दिया है। और रेगुलर मसाले ही जाएंगे इसमें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, बस सौंफ ज़रूर डालना आप लोग, सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक बार को मंगरेल ना भी डालोगे तो चलेगा, लेकिन सौंफ ज़रूर डालना। तो बस हल्दी डाल दी है आधा चम्मच, और एक चम्मच भर के धनिया डाल दूंगी। और नमक मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि मैंने बॉईल होते समय भी नमक डाला था, जब मैंने करेले उबाले थे उस समय मैंने आधा चम्मच नमक डाला था। तो बस थोड़ा सा नमक, रेड चिल्ली, और ये है इसमें खटाई पाउडर, तो वो निकल नहीं रहा था, मैंने इसका पैकेट फाड़ दिया चाकू से। तो थोड़ी सी खटाई डाल दूंगी, मतलब अमचूर, और इसको इतना अच्छे से भूनूंगी कि इसका जो तेल है पूरा अलग हो जाए मसाले से, और काफ़ी कम हो जाएगा ये भूनते भूनते। तो मैं इसको 15-20 मिनट अच्छे से भून लेती हूँ, उसके बाद मैं ऐड करती हूँ करेला। तो जब करेले की सब्जी खा रहे तो लग नहीं रहा था कि हम करेला खा रहे हैं, लेकिन बहुत टेस्टी लग रहे थे। और एकदम सूखी सब्जी दाल चावल के साथ या फिर पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगी। आप टिफ़िन में या फिर ऑफिस के, मतलब ऑफिस में या बच्चों के स्कूल टिफ़िन में भी रख सकते हो ये सब्जी को। लग नहीं रहा था कि करेले की सब्जी है, बहुत टेस्टी लग रही थी। अब बस ये मैंने मिक्स कर दिए हैं, और इसको 5 मिनट कम गैस पे मैं और पका लूँगी, मतलब ढक्कन ढक के इस पे, तो इसका जो तेल है बिल्कुल अलग हट जाएगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ हमारे करेले बन गए हैं। तो बस मैंने उसके बाद बर्तन साफ़ करे, जब तक करेले हो रहे हैं 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद मैं रोटी सेकूंगी। तो ये जो सब्जी वगैरह छौंकने के बर्तन थे, दूध वगैरह के, वो साफ़ करे चाय के, और साफ़ करने के बाद अब मैं बस रोटी सेक के दे दूंगी सबको खाना। और उसके बाद मैं दोबारा से किचन साफ़ करूंगी अभी तो, क्योंकि अभी टाइम लगेगा। तो बस मैं रोटी सेकने लगी थी बर्तन साफ़ करके, और रोटी बहुत कम ही सेकी थी क्योंकि मैंने दाल चावल भी बनाए थे साथ में, तो ज़्यादा रोटी नहीं सिकती है जब दाल चावल बनाओ तो, बस एक एक दो दो रोटी सभी लेते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसीलिए मैंने चावल बनाए कि रोटी सेकते सेकते, नहीं तो फिर हालत ख़राब हो जाती। तो मैंने सोचा थोड़े थोड़े सब चावल और रोटी दोनों खा लेंगे। तो बस मैं दे देती हूँ खाना निकाल के, और मेरा खाना एकदम बन चुका है, रेडी हो चुका है, मतलब रात का डिनर है ये, और एकदम रात नहीं हो रही है, लगभग 7 या 7:30 हो रहे होंगे। थोड़ा जल्दी खा लेंगे ये लोग, क्योंकि दोपहर में तो इन्होंने कुछ नहीं खाया किसी ने, मैंने लंच बनाया ही नहीं था दोपहर में, इसीलिए आज मैंने डिनर थोड़ा जल्दी बना लिया। तो ये है अरहर की दाल चावल और करेले की सब्जी रोटी, और काफ़ी टेस्टी खाना लग रहा था, सिंपल सा था लेकिन बहुत टेस्टी लग रहा था, और खाने में बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी इस तरह का खाना भी खाओ तो रोज़, मतलब ऑयली वाली सब्जी रोज तो हम नहीं खा सकते, तो इसलिए कभी कभी इस तरह का सादा खाना भी बहुत ज़रूरी रहता है। बस तो मैं इसमें सैलेड रख दूंगी, और टमाटर नहीं, सॉरी, प्याज और खीरा काट रखा है, टमाटर नहीं काटा। तो बस मैं खाना दे चली जाती हूँ बच्चों को, और एक मेरा पूरा सूट गीला हो जाता है जब मैं बर्तन साफ करती हूँ तो।
और उसके बाद मैंने खाना मैंने खुद ने भी खा लिया था, और मैं कर रही हूँ किचन साफ। और हो गया होगा लगभग इस समय 9 बज रहा है, 9 या 9:30 का टाइम हो रहा है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ। उसके बाद मुझे कॉल करना था लेकिन फिर मैंने बाद में करा नहीं क्योंकि मैं लेट हो गई थी नहाने में, फिर मैं ऐसी सो गई बिना कॉल किए ही। और बस बर्तन वगैरह मेरे साफ हो गए, जो कि कढ़ाई वगैरह करेले बनाए थे तो काफ़ी बर्तन निकल जाते हैं। सबसे ज़्यादा बर्तन का बड़ा झंझट रहता है, बहुत ज़्यादा निकलते हैं। अगर 2 सब्जी बनाओ तब तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और बस इसके बाद मैं बर्तन धो के किचन साफ कर दूँगी। और यह आटा दिन में 2 दिन का आया हुआ रखा है तो मैंने पलटा नहीं था, बस मैं इसको पलट के रख दूँगी। तो ड्रम में आया था ये देखो, मनी सोई पड़ी है, सब सो गए, मैं ही जग रही हूँ अकेले और मैं ही काम कर रही हूँ। राधे राधे, मोस्ट वेलकम। और सुबह से मेरा वीडियो शुरू हो रखा है लेकिन मैं आपसे मिल नहीं पाई, कभी कुछ लगा रहा था, तो मैं सोच रही हूँ वीडियो का एंड कर दूँ। तो गाइस, अगर वीडियो कोई से भी रीजन में अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, और न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा। सुबह से शुरू था लेकिन जितना शूट कर पाई मैं करी, और बाकी पूरा टोटल शूट तो पूरा दिन का नहीं हो पाता है किसी भी हाल में, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करी कि मैं कर लूँ। तो बस वीडियो का अभी यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अभी तो हो रही है रात तो गुड नाइट गाइस सभी के लिए।